आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव ही एक या ऐसे नेता हैं जो हम उर्मिला ठाकुर जैसे दाढ़ी बनाने वाला का बेटी को जो है न्याय मिल सकता है राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर अति पिछड़ों को न्याय मिलता है आदरणीय बाबू लालू प्रसाद जी का नाम सुन करके हम उन लोग को बुखार लग जाता है हमारी महिला साथी सब बहुत ही जाबाज बहादुर हैं और राष्ट्रीय जनता दल के के को आज महिला समझ रही है ही महिला एक जुट और एक मुस्त तेजस्वी यादव जी को कृष्ण के रूप में देख रही है और उन्हीं के साथ जो सारा वोट करने का काम करेगी में नरेंद्र मोदी को कर फेंकेगी और पचीस में जो है बाबू तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री तो बहुत खुशी है हमारे लालू यादव ने गरीब की आवाजों को बुलंद किया और हमारी उर्मिला ठाकुर को एमएलसी बनाने का काम किया तो हमारे परिवार और पति बच्चे और पति से भी बढ़कर मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि है आरजेडी के विधान परिषद विधानषद के उम्मीदवार उर्मिला ठाकुर इस वक्त है पार्टी के रहनेम आई है लोगों का अभिनंदन जो है स्वीकार कर रही हैं पार्टी ने जब इनके नाम का ऐलान किया तो लोग चौंक गए थे लोग इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा उर्मिला जी जब आपका नाम लिस्ट में आया लोग चौंक गए कि आपको विधान परिषद भेजा जा रहा है क्या रिएक्शन रिएक्शन लोगों में यही है कि राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है आदरणीय दुनिया का सबसे बड़ा समाजवादी लीडर आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव ही एक ऐसे नेता हैं जो हम उर्मिला ठाकुर जैसे दाढ़ी बनाने वाला का बेटी को जो है न्याय मिल सकता है राष्ट्रीय जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर अति पिछड़ों को न्याय मिलता है राष्ट्रीय जनता दल ही ऐसी पार्टी है जहां दलित महादलित को न्याय मिलता, मिलता है आदिवासी को न्याय मिलता है इसलिए हमको जो भेजा गया है काफ़ी लोगों में खुशी है साधारण परिवार से आती है आपके विरोधी कहते हैं कि पैसे वालों को विधान परिषद और राज्यसभा भेजा जाता है तो हम लोग का पार्टी का जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं आदरणीय बाबू लालू प्रसाद जी का नाम सुन करके उन लोग को बुखार लग जाता है क्योंकि वो अमीरों की बात नहीं करते हैं वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं गरीब गुरबा की बात करते हैं जरूरतमंद की बात करते हैं जन सरोकार के सवाल पर बात करते हैं आदरणीय युवाओं का आयकन जो हमारे सबसे देश का सबसे प्रभावशाली गौरवशाली जो नेता हैं जो आज जनता उन्हीं पर उम्मीद करती है पूरा बिहार ही नहीं देश के लोग उनको देख रहे हैं कि हमारे नेता के बराबर में आज देश में कोई नेता नहीं है माननीय तेजस्वी यादव जी जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो आ, कदम था आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो आदर्श था उन आदर्श जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो स्लोगन था जयप्रकाश जी का जो स्लोगन डॉक्टर लोहिया का जो स्लोगन था आपको बिहार का कहने वाले कहलाने वाले कहलाने जगदेव बाबू जो विचार था उन विचार को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं और बढ़ा रहे हैं इसलिए जो है उन लोग वो लोग क्या रहे हैं उस पर हम पार्टी में कब से जुड़े पार्टी में हम कब से जुड़े हैं हम तो जननायक जी के टाइम से ही जुड़े हैं समझिए मेरा जन्म हुआ और जब मैं संघर्ष की आदरणीय नेता जिला परिषद में बनी 2000 में तो मैं तो पार्टी से शुरू से ही जुड़ी हूँ एक महिला है और आपके महिला साथी काफी उत्साहित है इनकी उम्मीदों पर कैसे खड़ा उतरेंगी सदन के अंदर हमारी महिला साथी सब बहुत ही जाबाज बहादुर हैं और राष्ट्रीय जनता दल के, के को आज महिला समझ रही है जिस तरह से द्रौपदी का जब चीर हरण हो गया था जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था तो हाथ से अपना दम लगा के पकड़ी हुई थी उससे भी ज्यादा जब उनका हाथ काम नहीं किया तो दांत से पकड़ ली और उससे भी ज़्यादा जब काम नहीं किया तो हाथ उठा दी कि आप जानो कृष्ण तुम उसी तरह से बिहार की जनता ही नहीं, नहीं बिहार की महिला ही नहीं पूरे देश की महिला को लगता है कि इस आताताई सरकार के आगे इज्जत और आबरू की रक्षा हो सकती है महिलाओं का तो उस शख्स का नाम है आदरणीय तेजस्वी यादव जी तेजस्वी यादव जी और हमारी महिला उम्मीद जताती है कि हम लोगों का खेवनहार एक ही है माननीय तेजस्वी यादव जी इसलिए तेजस्वी यादव जी पर विश्वास और भरोसा करती हुई महिला का जो उम्मीद है उनके लिए जो देश के जो प्रधानमंत्री है जो महिला को ठगने का काम किए महिला को इज्जत लुटवाने का काम किए मणिपुर में नंगा घुमवाने का काम किए बी एच यू में महिला लड़की लड़की को जो है उनके आदमी जो है रेप करने का काम किया और जो देश दुनिया में परचम लहराने वाली जो महिला थी पहलवान उनके सांसद ने जो उनका यौन शोषण करने का काम किया महिला को जो कहते थे उजाला योजना के तहत हम गैस सिलेंडर दे रहे हैं और चार सौ का सिलेंडर बारह सौ पर पहुंचाने का काम किया महिला को बेसिंगार करने का काम किया बिंदी पर काजल पर लिपस्टिक पर सिंदूर पर पर सब पर जीएसटी लगाने का काम बिंदी भी लगाएगी तो महिला महिला सोचना पड़ रहा है इसलिए सभी महिला, एक और तेजस्वी जी को कृष्ण के रूप में देख रही है। और उन्हीं के साथ जो सारा वोट करने का करेगी, 24 में को बिहार का मुख्यमंत्री था उम्मीद नहीं थी ये तो हमको अचानक मिला ये उम्मीद नहीं थी हमारे नाम पर ही मोहर लगेगी कैसा कैसा रिएक्शन है आपके साथ ही जो है विधान परिषद में होंगे हमारी ये उर्मिला दीदी को बनने के बाद हम लोग बहुत खुश हैं वैशाली जिला से प्रदेश उपाध्यक्ष हमारी दीदी ने बनाने का काम किया था और ये जमीन की जुड़ी हुई नेता है इनके साथ जब बोछा चुनाव में गए थे ना जब तक वोट का वो ये क्या कहते हैं बॉक्स जब तक नहीं विदा की तब तक वो बूथ पर बैठी रही एकदम बैठी रही, रही बूथ पर छोटे छोटे बच्चा को छोड़ के भी ये ये पूरा संघर्ष जहाँ भी पार्टी इनको भेजता था वो पार्टी का पूरा काम करती थी अपने बच्चे को अपने पति को छोड़ के दिन रात पार्टी के काम में लगे रहती थी हार्ट पेशेंट भी थे फिर भी उनको

क्योंकि बच्चा मैं जब जब कोई भी व्यक्ति मैं ही नहीं जब कोई भी जवाबदेह व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होता है तो उसके लिए परिवार नहीं होता परिवार उनका पूरा जो पार्टी की जवाबदेही है वो है वह हमारे परिवार और पति बच्चे और पति से भी बढ़कर मेरे लिए पार्टी सर्वोपरि है वह हमारे नेता का जो आदेश था पहले मेरे लिए वो है उसके बाद कोई काम थी नामांकन की है पार्टी दफ्तर पहुंची है लोगों का समर्थन भी है महिला के प्रदेश अध्यक्ष रही हैं और ऐसे में महिलाओं में जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है उर्मिला ठाकुर एक साधारण से परिवार के आते हैं उन्होंने बताया कि दाढ़ी बनाने वाली की बेटी हूँ और मुझ पर लालू प्रसाद यादव ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो वाकई में ये जिम्मेदारी कई गुना ज्यादा और बढ़ जाता है और उन उम्मीदों पर हम खड़ा भी उतरूँ सहयोग अजय के, के साथ बिरजु सिंह